अररिया जिले के औद्योगिक नगर दिव्यापुर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 100 शैया मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में 7 महीने बाद बुधवार से इमरजेंसी ओपीडी जननी सुरक्षा योजना सहित सभी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। बता दें, दिव्यापुर सीएससी को कोविड-19 लेवल 1 हॉस्पिटल बना दिए जाने से यहां मार्च महीने से भी सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं रोककर इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। अब 7 महीने बाद फिर से यहां स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की जा रही हैं। कोरोना संक्रमण शुरू होने के साथ जिले में दिव्यापुर सीएससी को लेवल 1 हॉस्पिटल बनाया गया। कोरोना काल में यहां 420 संक्रमित मरीजों को भर्ती किया गया, जबकि इससे जुड़े पीवीआरपी में 172 पॉजिटिव मरीज रखे गए। कुल 592 संक्रमितों को सीएससी दिव्यापुर में इलाज के लिए रखा गया। इनमें से 521 संक्रमितों को बीमारी से जंग जीतने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं 66 संक्रमितों को यहां से रेफर किया गया। पिछले दिनों शेष बचे 4 संक्रमितों को जिला अस्पताल चिचौली शिफ्ट किए जाने के बाद यहां स्वास्थ्य सेवाएं बहाल किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि बुधवार को नियमित तौर पर इमरजेंसी ओपीडी जननी सुरक्षा योजना के साथ अन्य सभी सेवाएं सुलभ होंगी। कल से यहाँ पर सारी सेवाएं यहाँ पर संचालित की जा रही हैं, जिसमें ओपीडी है, जीएसवाई है, इमरजेंसी है। वो सारी सेवाएं हमारी 25 मार्च से बंद थी। जो अभी L1 के कुछ पेशेंट थे वो 100 बेड चिचौली में शिफ्ट कर दिए गए हैं, और जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पूरी हो गई है, और यहाँ पे सैनिटाइजेशन भी करा दिया गया है। उसके बाद कल से सारी सेवाएं हम यहाँ पे शुरू करा रहे हैं, संचालित होते हैं। तो सर कितने मरीज थे आप यहाँ पर? 420 पेशेंट आए हुए थे यहाँ पर, तो वो सभी ठीक हो गए? हाँ, सभी कुछ ठीक हो के अपने घर भी चले गए। कुछ पेशेंट यहाँ से रेफर भी हुए हैं, जैसे रिम्स में हुए हैं, उर्सला में किए गए हैं, कुछ अपने प्राइवेट जो कोविड हॉस्पिटल से उसमें रेफर किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।